Hi guys and welcome to my channel Omi Motor Vlogs. तो चलिए गाइज अभी हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे का बैक व्हील का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये कि आपका व्हील पीछे का अलाइन है कि नहीं. तो चलिए गाइज देखते हैं. Hi guys, this is my bike Duke 200. So guys, ये जो आपको नट दिख रहा है और वो साइड में अपोजिट साइड में सेम नट है. ये नट का ये अंदर का जो तीत और वो साइड का तीत ये दोनों भी इक्वल डिस्टेंस में प्लेस होना चाहिए. अगर ये इक्वल डिस्टेंस में प्लेस नहीं होगा तो आपका जो रियर टायर है वो थोड़ा टेढ़ा बैठेगा जिसके कारण आपका बाइक वन साइड राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड खींच सकता है. सो प्लीज़ जब भी आप मैकेनिक के पास जाओगे तब उसको बोलिए कि यहाँ का डिस्टेंस ये जो दो तीत है ये हमेशा बाहर होना चाहिए और ये अपोजिट साइड का जो तीत है वो हमेशा दोनों बाहर होना चाहिए जिसके कारण आपका टायर एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा और आपका टायर अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेट वोन ऑफ हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक देना ना भूलिए. सी यू गाइस इन सम अदर टाइम इन सम अदर व्लॉग. टिल देन बाय बाय.